उक्ति कहती है ना उकार के 8 नंबर आए थे, 8 नंबर आए थे, उसका रीजन मैं बताता हूँ। सच्चाई मुझसे निकली। नहीं मैं तो कह रहा हूँ 8 नंबर आए थे, पर हेलो ओएमजी फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग्स फ्रॉम ओएमजी व्लॉग्स। मैंने ना यार बोलने का तरीका ही बदल दिया है। मैंने सोचा इतनी बेइज्जती हो चुकी है, लोग कमेंट कर करके बोलते हैं कि आदित्य की तो पहली लाइन समझ ही नहीं आती, तो मैंने कहा पहली लाइन का तरीका ही बदल देते बोलने का। तो आज हमने रीस्टॉक करे थे ओम धातु के सारे प्रोडक्ट्स, और इतना गजब का रिस्पॉन्स आया ना आप लोगों का, इतना गजब का रिस्पॉन्स आया है कि लिटरली मजा आ गया है। अभी मैं ऑफिस से फ्री हूँ, अभी जा रहा हूँ घर। ओंकार और मुक्ति अपने अपने कामों में बिजी हैं, तो अभी उनको थोड़ी देर में मिलूंगा। ओंकार को मैंने कॉल किया था, वो कहता मैं स्टूडियो से आ रहा हूँ घर, तो उसके बाद मिलते हैं थोड़ा सा फ्रेश होके। कैसा है बुल्ले? तेरे को नहलाया नहीं किसी ने? नहलाया नहीं तेरे को किसी ने? A few moments later. So guys, मैं घर आया और मैं बेड पे लेटा 5-10 मिनट के लिए, और वो 5-10 मिनट कब 2 घंटे में 1.5 घंटे बदल गया, मुझे पता ही नहीं लगा। और मैं ऐसे ही सो गया, बिल्कुल जैसे मैं आया था घर पे वैसे ही सो गया हूँ। अभी देखता हूँ, अभी उठता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, सोच रहा हूँ कहीं ना कहीं जिम चला जाऊँ। आज सैटरडे है, लास्ट डे है, उसके बाद मंडे को जिम जाओगा, तो अभी देखता हूँ थोड़ा बहुत रेडी होता हूँ। और मम्मा कर रहे हैं पूजा। और मम्मी कैसे हो? मेरे मेरे बर्तन लोग ले लेता है। मम्मी के बैक में थोड़े सा दर्द है, क्योंकि मम्मी ने उस दिन जंपिंग कर ली थी, जो कि मम्मी को डॉक्टर ने मना करी हुई है। और बस जंपिंग नहीं, मैं अलमारी खिसकाई। अच्छा, ये आपने खुद खिसकाई है? इतनी बार मम्मी को बोला है ना मैंने, इतनी बार कि कुछ हैवी मत उठाया करो। मेरे को क्या होता है, 2 मिनट तो लगते हैं। अरे फिर भी बैक पे तो जोर आएगी, समझते नहीं है बात को। और अब ना 3 दिन से बेड पे लेटे हुए हैं, पीठ में दर्द है, और ये बेल्ट लगा के बैठे हुए अपनी पीठ वाली, ऐ बस अपनी सेहत खराब करते रहते हैं, और ध्यान देना नहीं अपना। ये देखो ठीक हो रहा है, हो गया ठीक। माँ तो भगवान जी को बोलती ठीक कर दो। भगवान जी भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की करता है। ये महान हस्ती भाई है। ओ जिम नहीं जाना तूने? तो गाइस प्रोग्राम हमारा जिम का हो चुका है कैंसल, तो हमने सोचा स्टूडियो में जाके करेंगे वर्कआउट। और अभी ओंकार को पिक करने आए हैं, क्योंकि फिर दो दो गाड़ियां जाती है, तो दो दो गाड़ियों का तेल खर्च होता है। बिल्कुल, तो तेल बचाएंगे हम, देश को आगे बढ़ाएंगे। तेल बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ, बिजली वाली गाड़ी लो, अगली बार हम बिजली वाली गाड़ी लेंगे। साइकिल पे चला जा तू, अगर तेरे को इतना तेल बचाना तो साइकिल में चला जाऊं, बट बहुत दूर पड़ता है साइकिल। ओंकार हां जी, ट्रेनिंग हो गई। क्या बात है, मुक्ति ने पहनी हुई है? अरे ओंकार प्ले स्टेशन 5 ले लो यार। यार मैं देखता हूँ ना प्ले स्टेशन 5 में लोग गेम खेलते, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। वैसे मैं गेम्स खेलता नहीं ऑनलाइन, अगर पढ़ा होगा तो खेल लेंगे। पढ़ा होगा तो इतना बड़ा टीवी लिया है हमने, इतना बड़ा टीवी, उसमें फिल्में देखनी है? फिल्में तो फोन पे भी देख सकते हैं। हम प्ले स्टेशन फोन पे नहीं देख सकते, खेल सकते। हाँ ये बात तेरी सही है, मतलब कि देखा जाए मूवियां तो मोबाइल पे भी देखी जाती है, बट गेमें प्ले स्टेशन मोबाइल पे नहीं होता। ये तेरी बात पे ना गौर फरमाया। देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो आइडिया। वैसे है कितने का प्ले स्टेशन? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। और नवाब कैसा है? नवाब ठीक है, नवाब को बेटर है, बहुत बेटर है। चलो इंजेक्शन वगैरह से फर्क पड़ा, और सच में फीड का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। घर की जो रोटी वगैरह थी वो खाई नहीं रहा था, बट अब उसको फीड चेंज की है ना। अच्छा, तो अच्छे से खा रहा है, और फीड वगैरह में अच्छी चीज है, सारा कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन। हाँ। तो आपके साथ सीन पता क्या हुआ, जब भी मैंने उसको वीडियोस वगैरह में दिखाया है ना, उसके नेक्स्ट डे ही बीमार हुआ है वो, थोड़ा वहम सा हो जाता है ना। वो तो मुझे थोड़ा सा वहम सा ही, इसलिए हम कम दिखाते हैं आपके साथ। सच्ची में वो उसके साथ मुझे वहम ही है कि जब भी उसको मैं वीडियोस वगैरह में दिखाता हूँ ना, तभी उसको कुछ ना कुछ हो जाता है। जब लेके आए तब व्लॉग्स वगैरह में दिखाया कितना, उस टाइम पे भी ये बीमार हो गया था, बिल्कुल कमजोर हो गया था। अब थोड़े दिन पहले अभी घर पे जब आए तो दिखाया नवाब, एंड उसके नेक्स्ट डे ही फिर से। मैं थोड़ा वहम ही करता हूँ नवाब के चक्कर। ये क्या तूने अब ऑनलाइन मंगा लिया? मेरा ऑनलाइन का चस्का खत्म हुआ तो तुम भाई बहन का शुरू हो गया हुआ अब। मैं कपड़े खरीद रही हूँ, मैं आजकल ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है मेरी। ऑनलाइन क्यों चल रही है? ऑनलाइन ना खरीदा करो, देखो मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम हुआ था अभी। नहीं नहीं कपड़ों में स्कैम नहीं होता, अगर तुम इतनी महंगी महंगी चीजें मंगवाओगे तो स्कैम हो सकता है। मंगाया क्या यार? मैं ना ये अर्बेनिक से, मेरे को लग रहा है कम से कम मैंने 1 महीने पहले ऑर्डर किया होगा ये, अब जल के आया। और कह रही है स्कैम नहीं होता, 1 महीने बाद तेरा ऑर्डर आ रहा है। देखो तो सच्ची में मेरे को याद भी नहीं मैंने क्या मंगाया। दुकान पे जाके देखते तुझे एटलीस्ट क्वालिटी तो पता लगती खरीद क्या रही है।
अच्छी है, तेरी शक्ल थोड़ी है ये। वाह, मतलब कि ये फैशन है कि खुद टी शर्ट पहनो किसी और के शक्ल की। वाह वाह, सुना है लड़के आसपास दोनों मेरे आंचल होती तो मुझे कोई ठीक सजेशन देती कि नहीं दीदी अच्छा लग रहा है। अगर तेरी शक्ल बनी होती ना मैं कहता कि हाँ बहुत अच्छी चीज है, ऐसी पेंटिंग में बनी होती शक्ल। अरे मेरी ड्रेस, मेरे ना वो गैस स्टोव का जो पोना है सेम इसी कपड़े का है। ये पहन के पता चलेगी, पहन के पोना है ये। मुक्ति कपड़ा भूल के लगाना है, ये लो। Oh, ये एप्रन है, एप्रन है, ये ड्रेस भी है, ये देखो यहाँ से आप कुकिंग करो। हाँ जी, मेरा मेरा जंपसूट, ये थोड़ा कैजुअल वेयर मंगाया मैंने। इसको पहन के जंपसूट, इसको लो पहन दो और फिर स्प्रिंग में जाते हैं नीचे। जंप नहीं करना इसको पहन के। फिर जंपसूट क्यों है यार, ये ना पता नहीं मैं किसको कलेक्शन दिखा रही हूँ अपने कपड़ों की। तो तुम दोनों जाओ यहाँ से। ये मेरे यहाँ पे जाके भी टाइट हो जाएगी देखना। इस साइज का टॉप है, गला है ये टॉप का, जो भी है साइज कितना है, ये गला है टॉप का, सेम साइज है, नहीं पतलो तेरे लक ते जट दे डोले दा। क्या ये गला उसका, ओ गला तो है पर ये तो इतना छोटा है, गला इसकी बाजू पे फंस गया। ये भगवान, बच्चे के साइज के कपड़े भी बड़े होते होंगे। सही बात है, कहां है ये मेरी ड्रेस, एक और पोना पीछे हो जा रहा है। ये मुक्ति का एप्रन है, ये मेरा एप्रन है, डिजाइनर पोना है यार। प्लीज कमेंट करके बता दो मेरी ड्रेस कितनी क्यूट है। ये पता क्या हुआ है, मैं सच्ची बताता हूं, कभी किसी पुराने घर में गए होंगे, वहां पे पड़ी होगी संदूक, वहां पे पड़े होंगे पुराने पुराने कपड़े। काश वहां बंदूक होती, संदूक में हम कार को मार देते। उन कपड़ों में से ये कपड़ा निकाल के ड्रेस बना दी गई है, ये एंटीक लुक ड्रेस है। मैं भी तो एंटीक हूं ना। जा बुढ़िया बुढ़िया, आओ घर इधर आओ यार, लोगों को दिखाएं हमारी ट्विनिंग होगी भाई साहब। ये तेरा इधर ही पड़ा है खरीदी, क्योंकि मुक्ति ने मेरी बहन ने खरीदी इसलिए मैंने खरीदी। मतलब इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी, सो बस अगर यही ये स्कूल में सीख लेता तो आज क्या दिन, मतलब हम बस क्या ही बोलूं। क्या कर रहे थे, यही कर रहे होते। वही तो, मैं इसलिए बोल ही नहीं रहा हूँ कुछ, मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ कुछ। अरे एक्सप्लेनेशन कहाँ की, कहाँ पे जाके जोड़ी। एक्चुअली इसको पता है, इसको पता है ये फॉर्मूलाज याद क्यों है, क्योंकि नहीं 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 संगत का नहीं, इसको ये फॉर्मूलाज इसलिए याद है क्योंकि जितनी बार मैथ का पेपर ओंकार ने दिया है ना, किसी ने दिया। और उसका रीजन पता क्या है, ये मुक्ति कहती है ना उकार के आठ नंबर आए थे, आठ नंबर आए थे, उसका रीजन मैं बताता हूँ। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आठ नंबर आए थे, पर उस एग्जाम में 100% चीटिंग हुई थी, 100% चीटिंग। मैं मोबाइल लेके गया हुआ था और वो मेरी लोग जब हुई थी तो अब असलियत बता रहा हूँ ना, गलत बात है, बट जो भी है चीटिंग करवाई थी इन दोनों ने, ये इसने सम सॉल्व किए थे, इसने मुझे भेजे थे मुक्ति ने, और आठ नंबर हमें यही तो रहनी है, इतने सही आंसर देने के बाद भी इसके आठ नंबर आए। अभी से हमारी तो कोई गलती नहीं है। इसका रीजन पता है क्या है? हाँ। देखो जैसे कि मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था, एक्सीडेंट हुआ था मेरा बोर्ड के एग्जाम के, तो मेरे एग्जाम रह गए थे, तो मुझे एग्जाम देने पड़े थे ओपन बोर्ड से, तो वो ओपन बोर्ड का जो सिस्टम है ना अलग ही है, वो सिस्टम ओपन बोर्ड वालों को भी नहीं पता क्या है, बहुत ओपन माइंडेड है सच्ची में यार। मतलब खुद देखो, मैं कह रहा हूँ मैंने चीटिंग की है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने सही चीटिंग कराई है और मैंने अच्छे से चीटिंग की है। अरे हमने एनडी से चीटिंग कराई है भाई, आईड में से चीटिंग कराई है, उसके बाद भी आठ नंबर आए हैं, अब इसमें किसका दोष है? ओपन बोर्ड से पेपर देने का सोच रहा है तो जी चार बार और सोचना, चार बार और सोचना। और एक और चीज बता दूं, पांच सब्जेक्ट होते हैं ना, आठ नौ सब्जेक्ट भरना, पांच में तो पास हो जाओगे, ये चीज भाई साहब ये ओंकार ही बता सकता है क्योंकि हमने तो एक्सपीरियंस करी है। ओपन बोर्ड्स में थोड़ा सा घपला होता है, बहुत घपला होता है। कुछ मत कमेंट करो, कमेंट मत करो, बस सीधी सी सलाह है, स्कूल में जाके सीबीएसई या आईसीएसई इसके पेपर दो, गुड अच्छे से पढ़ो ओपन बोर्ड के, और या स्टेट बोर्ड दो अगर आपके आसपास स्टेट बोर्ड वाले स्कूल ज्यादा है, तो स्टेट बोर्ड भी दे सकते हो। तो अभी डिनर करते हैं अपना, और फिर क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है,
शाम को कुछ मुक्ति ने खाने नहीं दिया, मैंने कहा था जिम जाएंगे, फिर कहती स्टूडियो में जाके वर्कआउट करेंगे, और अब कह रही है सुबह उठ के वर्कआउट करेंगे क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग करना अच्छा लगता है।